नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आपको बता दें, अभी 2 दिसंबर को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित एक एग्जाम था, वन रक्षक और विधान भवन रक्षक का एक पेपर हुआ था 2 दिसंबर को। दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, सुबह पाली में हुआ था, शाम पाली में हुआ था। ये पुराना पेपर था, इसके फार्म पुराने भरे गए थे। फिर क्या हुआ था, इसमें आपका ये नई जो आपका आयोग बना है, ये पेपर आपका कराया हुआ था। तो देखिए, पेपर जमा करा लिया जाता है, इसके बाद देखिए आज वेबसाइट में पेपर अपलोड कर दिया गया है। पेपर अपलोड होने के बाद इसके आंसर की भी आ चुकी है, उसी आंसर की से हम पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। टोटल 180 क्वेश्चन आए थे, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्हें सबको अच्छी तरह से मालूम हुआ है, और जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया वो भी उसको सॉल्व करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसा ही पेपर अगले एग्जाम में, वीडियो जो एग्जाम आ रहा है आपका, ऐसा ही पेपर बनाने वाला है। और काफ़ी टफ हिंदी आई थी, इतनी सरल हिंदी नहीं थी। आप हिंदी देखेंगे 180 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 80 क्वेश्चन हिंदी के थे और रीजनिंग के 50, फिर सामान्य ज्ञान के 50। इस तरह 180 क्वेश्चन की पूरी सीरीज थी ये। तो आप लोग इसको देख लीजिए, मिला लीजिए अपने जितने आंसर हैं। ये आपकी शाम के शिफ्ट का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, और सीरीज है इसकी ए सीरीज का पेपर है ये। तो इस हिसाब से मैं आपके आंसर की भी आ चुकी है, आयोग के आंसर की से आपको आंसर बताऊंगा मैं। मेरा कोई आंसर नहीं है इसमें, अगर आपको इस आंसर में आपत्ति करनी है तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के इसकी आपत्ति कर सकते हैं। तो अभी कुछ मेरे मित्र मेरे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करिए, वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे आप लोग देखेंगे ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो काला हो जाएगा, तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 80 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि 180 का वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम हिंदी को सिर्फ सॉल्व कराएंगे, हिंदी के बाद हम फिर 50-50 करके दोनों सेक्शन सामान्य ज्ञान और आपकी रीजनिंग पूरा सॉल्व करा देंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये है पेपर आपका, 80 क्वेश्चन हिंदी के हैं, शुरुआत के 80 क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पेपर भी ले लीजिएगा मुझसे, और आंसर की भी आप ले लीजिएगा इसको आराम से, और अपने तरह अच्छे तरह सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपको वन डे एग्जाम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल बना होगा, थोड़ी देर में इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो जल्दी डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से इसको आंसर की और ये सब ले लीजिएगा, और मैं अपने आप क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पहला देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि हिंदी काफ़ी अच्छा पेपर बना हुआ था। देखिए काकल्य वर्ण पूछा हुआ था, इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है, तो ये देखिए आंसर की मेरे सामने है, तो मैं उसी आंसर की से आपको आंसर बता रहा हूँ। मेरे कोई इसमें भी आंसर नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता चुका। आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो 2-4 दिन के अंदर ही आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए, आपके आंसर चेंज हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं तो। देखिए काकल्य वर्ण जो होते हैं, इसका और भी नाम होता है, काकल वर्ण होता है, हंस वर्ण होता है, तो आहा एक होता है काकल्य वर्ण। देखिए काफ़ी नए क्वेश्चन है, एक आहा होता है, एक हा होता है, ये आपका आधा हा होता है, इसमें थोड़ा हा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी काकल्य वर्ण पूछा हुआ है, तो इसमें जो आंसर सही होगा आप समझ गए होंगे, इसमें जो आपका आंसर है वो हा सही होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम 80 क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर देंगे, और उम्मीद करते हैं अगर जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग बताइएगा आप 80 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व करके आए और कितने आपके सही हुए हैं, और कुछ लोग पेपर नहीं भी दे के आए वो भी लोग सॉल्व करके बताइए आप इसमें से कितने कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा पेपर बना हुआ था, हिंदी काफ़ी डीप पूछी गई थी, आपको पता चल जाएगा इसमें से। देखिए या का उच्चारण स्थान पूछा हुआ था, तो या का उच्चारण स्थान आपके लिए इसमें है, तालु होता है। देखिए इचु यसा नाम तालु होता है, तो इचु यसा मतलब या भी आता है उसमें, इसका मतलब ये आपका या से तालु का आपका आपका उच्चारण होता है। आप लोग हमारा जो एक वीडियो पढ़ा होगा वर्णों के उच्चारण स्थान का, उसमें मैंने सारे फार्मूले बताए हुए हैं। देखिए का से लेकर के जो आपका ना तक हैं, 5 वर्ण का तो आप आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन नीचे के आपको जितने भी वर्ण आते हैं ना उसमें आपको दिक्कत होने लगती है, तो उसको सूत्रों के द्वारा अच्छे से याद किया जा सकता। 4-5 सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था, उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आप लोग भी जाकर के प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा वर्णों के उच्चारण स्थान से, उससे आपके कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। तो इसका आप लोग समझ गए तालु आंसर है। देखिए अगला है आपका उपसर्ग बताना है इसमें, देखिए उपसर्ग में अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है आपको, तो इसमें अति होगा, ये सिंपल सवाल था। इसके बाद बात करते हैं हम अध्याहार का अर्थ क्या है, इसमें पूछा है अध्याहार मतलब क्या होता है। अध्याहार मतलब देखिए होता है कर, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना ही आपका अध्याहार होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। और इसके बाद देखिए एक ही विधेय हो जिसमें, देखिए एक ही विधेय जिसमें भी होता है वो एक सरल वाक्य होता है, आप सभी को मालूम है अगर दो विधेय हो जाएंगे तो वो मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में चला जाता है। तो यहाँ तक हमारे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम अपने 6वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए स्त्रीलिंग शब्द इसमें से आपको प्रयोग करके आप जान सकते हैं, इसमें से ये 6वें का ए सही है, छाँछ सही है, छाँछ आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी आपके सभी पुरलिंग शब्द हैं।
तो ये हम विधान भवन रक्षक और वन रक्षक का पेपर करा रहे हैं, यूपी 666 जो है द्वारा आयोजित आपका पेपर। 2 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था और आज इसकी आंसर की और आपकी ये पेपर पूरा अपलोड हो चुका है। तो ये है आपका पेपर। कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो समुच्चय बोधक नहीं है वो है डी ऑप्शन, अजन्म जो है इसमें समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, कृताकृत समास देखिए कौन सा है। इसमें से पूछा है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। कृताकृत में ये संस्कृत वर्ड है इसलिए थोड़ा कठिन पड़ रहा है आप लोगों के लिए। देखिए तद्भव शब्द है, देखिए तद्भव पहचानना है इसमें से, अर्थात जो हिंदी का शब्द है उसको पहचानना है। तो ढाई ढाई है आपका, आप समझ सकते होंगे ढाई ये हिंदी का शब्द है। अब इसमें पूछा है अगला है हमारा स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द देखिए इसमें विशेषण है स्त्री है, अगर आप इसको विशेषण के रूप में बनाएंगे तो स्त्रैण होता है। ये आपका ए सीरीज का पेपर है, जो लोग मिला रहे होंगे तो ए सीरीज का पेपर है, शाम के शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सेट लिखा हुआ है ए सीरीज का, तो आप लोग जो मिला रहे हो दिक्कत ना समझिए अपने आप को। अब हम 11वें क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऋतु का अर्थ होता है, देखिए ऋतु का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य होता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है शोक करना का मुहावरे का अर्थ है, देखिए शोक करना का अर्थ मतलब है सिर पीटना होता है, मतलब कि कोई चीज़ का अगर सिर पीट रहे हैं अर्थात आपको दुख हो रहा है, शोक हो रहा है। 13वां क्वेश्चन है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, आप सभी जानते हैं इसमें जो संधि विच्छेद होगा भूधर ऊर्जा होता है संधि विच्छेद, तो आपका भूर्जा हो जाता है इसका। देखिए 14वां हमारा है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, ये 14 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, इसमें डी ऑप्शन सही है आपका। इसमें होगा आपका वचन रूपी अमृत, इसका आपका समस्त पद होगा इसमें वचन रूपी अमृत। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की आपको वीडियो मिलती रहे। देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा देंगे तो काला हो जाएगा और आपको सारी वीडियो जो है आपका वन रक्षक आगे के जितने पेपर होते हैं हम सारे सॉल्व कराते हैं, क्योंकि पेपर जमा हो गया था इसलिए बाद में इसको सॉल्व कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये पेपर अभी आया है और अभी इसको हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। देखिए इसमें है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, ये लोग कोक्ति का आपको इसमें अर्थ बताना है, तो ये इसका मतलब है बिना खर्च अच्छा काम हो जाना, ये समझ में आ रहा अच्छे से। तो हिंदी काफ़ी अच्छी आई थी और भी आप लोग देखते चलिए इसको। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, देखिए बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होता है ये शब्द होता है निर्मिशेष, ये शब्द है निर्मिशेष, तो ये आपका शब्द है ये। अर्थ विवृत स्वर जो होते हैं आपके, देखिए ये 17वें का बी सही है। देखिए इसमें क्या होता है जो आपके ओंठों की आकृति के आधार पर जो आधा हमारा ओंठ आकृति होती है वो अर्थ विवृत होता है, मतलब गोलाकार आकृति, जो कम मुंह खुलता है तो विवृत होता, अर्ध विवृत होता, संवृत और अर्ध संवृत, इस तरह 4 प्रकार से होंगे आप पढ़ेंगे तो ये आपके ओष्ठ आकृति के आधार पर होते हैं। जो आपका विवृत होता है वो बड़ा आ होता है। अब देखिए हमारा है प्राज्ञा चक्षु में आपका जो है वाक्य के लिए वाक्यांश क्या होगा, ये उल्टा पूछा हुआ है आप लोग इसको समझिएगा। इसमें आपका जो बी ऑप्शन सही है बुद्धि जिसका नेत्र हो, अर्थात प्रज्ञा चक्षु, चक्षु मतलब आप समझते ही हैं। देखिए इसमें शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है, इसमें आपको शुद्ध पहचानना है। शुद्ध यहाँ पर सिर्फ यही है गाय के पूंछ होती है, ये शुद्ध है इसमें। देखिए 20वां हमारा वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें से कौन सा काल है? अब देखिए वर्तमान के 4 भेद हैं इसमें, आप समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन वर्तमान में इसका है अगर वह आई मतलब संभव वर्तमान है, इसमें बी ऑप्शन सही है इसका, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसको दे देना ये इसका है। तो देखिए वर्तमान काल के भी अंदर से पूछा गया है तो इसलिए आपको वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल के जितने भी भेद होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना होगा अगर आप वीडियो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा है और काफ़ी अच्छा पेपर आने वाला है उसका भी। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है इसमें से, ये हमारा 21वां क्वेश्चन है। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है इसमें से हरकत जो हमारी है वो स्त्रीलिंग शब्द है।
सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, ये हमारा 22वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कर्ता क्या है। देखिए अब आपको इसमें पहचानना है कर्ता क्या है। इसमें जो आपकी चिट्ठियां है वो कर्ता है, आप समझ चुके होंगे। इसमें जो कर्ता है वो चिट्ठियां है। विसर्ग संधि पूछी गई है 23वें क्वेश्चन में। तो आप 23वें क्वेश्चन में देखिए, विसर्ग संधि जब होती है तो नीह जो होता है आपका, इसके बाद अगर ये आपका विसर्ग लग जाता है, फिर ये आप समझ सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। निष्कर्म में आपका विसर्ग संधि है। और देखिए संयोग में तो आप व्यंजन संधि है। और सदैव सदा धन एव होता है, ये सदैव गिरिधनी इस आपका इसमें आ जाता है दीर्घ संधि में, और सदैव आपका चला जाता है वहाँ पर सदा धन एव वृद्धि संधि में चला जाता है। तो पहला ही आपका निष्कर्म होगा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो दुर्गा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है धात्री। ये आपके मैं आंसर माला से बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन, संगा की जो द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन का आंसर है योजक चिन्ह रहता है। योजक चिन्ह आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है, तो ये होता है। हम 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। देखिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें आपसे पूछा है कौन सा वाच्य। देखिए वाच्य आपके तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप, कृत वाच्य होता है, कर्म वाच्य और भाव वाच्य होता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कर्म वाच्य है। आप इसमें देखिए सेंटेंस को पढ़कर ही समझ लीजिएगा कि कर्म की प्रधानता इसमें हो रही है। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैदेह का कहावत का अर्थ है, ये आपसे अर्थ इसका पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही है, धर्म संकट की स्थिति है। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैदेह, ये आपका मतलब कि देखिए काफ़ी नया नया लग रहा है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा था इसको, और ये धर्म संकट की स्थिति है। ये तो काफ़ी अच्छा पेपर था। सभी स्टूडेंट भी बता रहे थे कि हिंदी काफ़ी डीप आई थी। सभी लोग कह के आए कि हिंदी काफ़ी डीप आई थी, मतलब कि मीडियम पेपर तो कहा ही सभी ने, लेकिन ये भी कहा था कि हिंदी की जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से हिंदी की तैयारी करें। अचूक विश्लेषण विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, हमारा 28वां क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आपका सी नंबर है, मतलब निराशा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, ये आपकी निराशा है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। देखिए क्रियार्थक जो संज्ञा रहती है आपकी, वो हमेशा एक वचन में रहती है। तो ये आप क्रिया के भेदों में जाएंगे, संज्ञा के भेदों में, तो आप वहाँ से मालूम चल जाएगा आपको। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो दुकाल में जो उपसर्ग है वो आपका हिंदी के उपसर्ग है, इसमें है दुकाल में, तो हिंदी का उपसर्ग है इसमें। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और हिंदी 80 क्वेश्चन आए थे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए 31वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देशज शब्द छांटने के लिए कह रहा है इसमें, तो देशज शब्द इसमें देख लीजिए आप लोग। देशज शब्द जो है इसमें वो डिबिया है, सभी लोग जानते हैं इसमें डिबिया सही होगा। इसके बाद बात करते हैं कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, मतलब इसमें पहचानना कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो इसमें आपका रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं है। वाग्धन जाल होता है, तत्धन आपका हित होता है, इसके बाद उत्धन हरण होता है, तो वो आपका दाह हो जाता है। इस प्रकार से आप व्यंजन संधि होती है, ये रसायन में नहीं है। तो ये देखिए 33 का जो सही है वो सी सही है। ये विलोम शब्द आया था, स्तुत्य का विलोम आया था, तो हे होगा इसका विलोम। तो बढ़िया शब्द है ये, देखिए मतलब नए नए शब्द हैं जिसको आप नहीं भी पढ़े हो सकते हैं इसको। खगेश का पर्यायवाची देखिए पूछा हुआ है, तो खगेश का पर्यायवाची होता है वैंते होता है इसका पर्यायवाची। तो ये 34 का सी सही है। 35, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हुए हैं। देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो अनुनासिक होते हैं, ये 35 का सी सही है। और 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृग का वर्ण विच्छेद है। देखिए दृग का जो वर्ण विच्छेद होता है, पहले आप दा लिखते हैं आधा आधा, फिर जो नीचे वाला रा लिखा है उसको लिखेंगे, वो पूरा होगा एक आधा, फिर पूरा अगर स्वर आया है तो वो आधा नहीं होता है। तो ये सही है, 36 का बी नंबर सही, सॉरी 36 का ए सही है। तो ये 36 का ए सही है,
ये सही है। तो ये यहाँ पर री लगा हुआ है, इसको आप लोग समझिएगा, ये री लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये बढ़िया था। 37वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसने पूछा है। तो अशुद्ध इसमें से आपका सी नंबर अशुद्ध है। संकट जो है वो अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। संकट इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, आप जानते हैं संकट ऐसे लिखते हैं, ऊपर ये लगता है आपका, ऊपर ही बिंदी लगती है। देखिए, लश्कर में ऊंट बदनाम, ये इसका अर्थ आपको बताना है। तो इसमें डी नंबर सही होगा। दोष किसी पर और नाम किसी और पर, ये है मतलब 38 का डी नंबर सही है। सही वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से पूछा है आपसे सही वर्तनी का शब्द है। तो इसमें जो सही वर्तनी लिखी गई है वो सुश्रसा का सु सुश्रसा है। इसमें जो वर्तनी ये लिखी गई है, और देखिए इसमें पूछा हुआ है कि अगला 40वां क्वेश्चन है। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, ये देखिए ये क्वेश्चन है किस प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु और ऊपर अनुसार लगा देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा जो होता है भविष्यत काल का बहुवचन बन जाता है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन, मतलब आधा पेपर हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब 81वां क्वेश्चन देखिए। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर सनक जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अयादि संधि है, देखिए अयादि संधि जो होती है आप सभी को मालूम है। तो अयादि संधि का जो है इसमें से 42 का डी नंबर सही है। नौ धन एक होता है, तो नाभिक बन जाएगा मुझे लगता है ये, क्योंकि आय आय और आओ आओ होता है, तो ये आपका बन जाएगा। तो इसमें देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा हुआ है 43 में। इसका अव्ययी भाव मतलब है आपका जो आपका प्रथम पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव में। तो इसका जो आपका आंसर है वो पल पल है इसमें अव्ययी भाव समास में। और हमारा 44वां है विशेषण शब्द, विशेषण बताना है इसमें से। 44 का आपका ए नंबर सही है। क्षम में है जो आपका, क्षमा जिसे कहते हैं, वो विशेषण शब्द है। बा शब्द, बा उपसर्ग किसमें आपका, किसमें है ये पूछा गया है। तो बदौलत में है, बदौलत में बा उपसर्ग आगे लगा हुआ है, बा प्लस दौलत होगा तो बदौलत हो जाएगा। हमारा 46वां क्वेश्चन है। विदेशत शब्द है इसमें से, आप सभी समझ सके होंगे। विदेशज जो इसमें है चश्मा है, बाकी जूता जीभ वायु सब ये देशज हैं। इसके बाद तद्भव शब्दों का पहचान है, मतलब जो हिंदी से आया हो, मतलब हिंदी जो बन गया हो, इसका अर्थ जो है आप समझ सकते हैं कि देखिए सभी जो हैं आपके ये बच्चा जो है वो तद्भव, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। चीर चीर, देखिए चीर जो होता है वो कपड़ा होता है, यहाँ से आपको कपड़ा लिख गया होगा पहला ही, यहाँ सही हो जाएगा। और चीर मतलब होता है कि पुराना होता है, ये क्वेश्चन आ चुका था मुझे लगता है, ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया था, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था, तो चिर चिर उसमें आया हुआ था। तो आप लोग यूपी का यूपीपी का जो पेपर हुआ तो उसमें आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चिर चिर। देखिए क्वेश्चन पेपर लगाने से भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए आप एग्जाम भी नहीं भी दिए हैं तब भी आपको फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, और ख़ासकर हिंदी में तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि हिंदी में आपका ये तो है नहीं कि करंट की चीज़ें आएंगी, सभी चीज़ें पुरानी ही हैं। क्योंकि पेपर को हल करते जाइए, धीरे धीरे आपका लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। प्रेरणा के लिए अनेक शब्द है, प्रेरणा के लिए अनेक शब्द है। देखिए 49वां हमारा सही है, 49 में सी न, 49 का हमारा बी सही है, ये जीवन देने वाली दवा है प्रेरणा। और 50 मिश्र वाक्य को आपको पहचानना है, तो मिश्र वाक्य में आप देखेंगे 50 का सी सही है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, मैंने आपको बताया था कामा आ जाता है मिश्र वाक्य में, तो पहचानने के लिए ठीक रहता है ये, कामा जब आता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है आपसे पूछा गया है। तो चौड़ी इसमें है आपका पूरक है, इसका जो ऑप्शन सही है वो पूरक सही है। अब देखिए 52वां है, 52 है आपका, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की, देखिए की जो है यहाँ पर क्या बोध करा रहा है आपसे, जो 52वां है कारण का बोध करा रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि वह बीमार था। क्यों नहीं आया, क्योंकि कारण बता रहा है वो की के द्वारा कि वह बीमार था। अब देखिए 53 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 53 का जो है आपका मध्य भाषा का काल है, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मध्यकालीन का है आपका है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 4,
और उसमें व्यंजन भी आपके होते हैं चार, तो टोटल मिला के हो गए 8। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 11 लावा, और उसमें व्यंजन होते हैं सा 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 हा, सा 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 हा, तीनों सा फिर हा, तो ये 8 आपके व्यंजन हो गए। अब 55 है, मैक्तेक्य किस संधि का आपका उदाहरण है, आपसे पूछा हुआ है ये। देखिए ये आपका ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा ये, क्योंकि आपका यहाँ पर जब डबल ए की मात्रा आप देख लीजिए कहीं भी, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है, ए का अय हो जाता है और ओ का अव हो जाता है। इस प्रकार से आप पहचान लेंगे, ओ का जहाँ भी अव हो जाए तो वहाँ पर आपका वृद्धि, वो आपका वृद्धि संधि हो जाता है, ए का अय हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भील, भील मतलब भील शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा हुआ है, तो भील का क्या होता है, भीलनी होता है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, तो धातु के जो अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, और जो किसी भी धातु के अलावा किसी भी संज्ञा मतलब किसी भी शब्द में जोड़े जाते हैं वो तद्धित होते हैं। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित। जयपुरी का स्थानीय नाम है, देखिए जयपुरी जो स्थानीय नाम होता है वो ढूंढड़ी होता है, जो स्थानीय नाम है इसका, ये सी नंबर सही है, ढूंढड़ी। दो दो नाम से जाना जाता है इसको। रा का विवरण है, देखिए रा जो है हमारा यारा लावा जो बोलते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे तो इसका जो विवरण पूछा गया है इसको मतलब कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो आपका जो 59 का सही है वो ए नंबर सही है, मतलब लुंठित वर्ण तो है ही है और संघोष भी है और अल्प प्राणायाम भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है और वर्ष भी है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है इसका। उसने एक मुकदमा दायर किया, इसमें अंग्रेजी में देखिए अनुवाद पूछा हुआ है, तो आपका 60 का जो है आप समझ सकते हैं कि ये ही फेल्ड है स्वीट, ही फेल्ड है स्वीट है, स्वीट है, तो ये आपका इसके इंग्लिश में भी थोड़ा सा मतलब कि देखिए दो तीन क्वेश्चन मुझे लगता है इंग्लिश से आ गए हैं क्या। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर, अंग्रेजी में वाक्य अंग्रेजी में होगा ये 61 में आपका सही है, जो डी नंबर सही है। दी विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट है, मतलब कि यहाँ अधिकतर लोग निरक्षर हैं, तो ये पेपर की काफ़ी खासियत है कि इसमें काफ़ी चीज़ें इंग्लिश से प्रयोगी पूछी गई हैं। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, कि हिंदी इसका देखिए इसमें उल्टा पूछ लिया गया, मतलब शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ये एक बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ से हिंदी का आपको लेवल इसमें से मालूम चल रहा होगा, क्योंकि लेखन योग्यता भी था उसमें जुड़ा हुआ था। दी मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्विटी है यहाँ पर, यहाँ पर तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 का जो सही है वो बी है, इंक्वायटी है, मतलब इंक्वायरी मतलब ये चेंज कर दिया है उसमें फार्म में, तो मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, इसका ये सही होगा। अब 64वें की ओर चलते हैं, लेखक को क्या बोध हुआ, इसमें 64 में आपका सही है ज्ञान की तीव्र इच्छा, ये सही है 64 का आपका जो सही है ए सही है, लेखक को ज्ञान की तीव्र इच्छा है वो मालूम चली है। लेखक को क्या ज़रूरत थी, आपको इसमें सही है ज़िंदगी की तब्दीली, ये सही है 65 का जो सही है वो आपका सही है, डी नंबर सही है। 66 का देखिए बात करते हैं, तो राख होने की बात है, 66 का जो सही है हमारा वो बी नंबर सही है, मुक्त हृदय दान, ये राख होने की बात क्या है इसमें है कि मुक्त हृदय दान, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी इच्छा है, ये 67 नंबर का सी सही है। दल दल को पार कर जाना, ये आपका है, और इसके बाद 68 नंबर है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए, ये 68 का डी है, इसमें सकर्मक क्रिया मतलब होता है कि जिसमें आपका कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, देखिए अंधकार का तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से अमोस्या है, इसमें उल्टा पूछा हुआ मुझे लग रहा है कि तिमिर मतलब भी अंधकार ही होता है, और जो इसमें अमोस्या पूछा हुआ अमोस्या मतलब कि पर्यायवाची नहीं पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से, आप लोग बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा शब्द अंधकार, तिमिर मतलब भी अंधकार ही होता है और पर्यायवाची अंधकार का अमोस्या दिया हुआ है 69 का सी में। सही अर्थ वाला शब्द दीजिए कुमार, इसमें से कौन सा ये पूछा हुआ 70 में, तो ये ए सही है इसमें, आकर आकार, आकार मतलब तो आप समझ सकते हैं आकृति होते है, ये मतलब आकर मतलब एक खान होता है, ये नया शब्द है खान, आप इसको समझ लीजिएगा।
इसके बाद देखिए, जो कम खर्च करता हो वो उसको आप समझते हैं मितव्ययी कहते हैं, कंजूस नहीं कहते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो कम खर्च करता है तो उसको कंजूस कहते हैं, मितव्ययी इसको कहते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा आपसे पूछा गया है इसमें से? 72 का आपका डी सही है, निर्भर इसमें से शुद्ध है। बाकी जो चिन्ह है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह या तो ऐसे लिखिए, आधा ना होता है, चिन्ह ऐसे लिख दीजिए, या तो एक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं चिन्ह जो है आपका इस प्रकार से चिन्ह लिखा जाता है, ये हा होता है और ये नीचे ना लगा होता है, तो चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, तो चिन्ह को आप सही मत समझिएगा। 73 नंबर का देखिए इसमें सही है, कर्ता कारक का वाक्य आपको छांटना है इसमें, तो 73 को जो है कर्ता कारक का जो वाक्य है वो आपका 73 का ए सही है, मोहन को जाना है, ये आपका इसमें कर्ता कारक है। और 74 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पुरलिंग शब्द छांटना है 74 में, तो 74 का जो पुरलिंग है वो आहार इसमें से पुरलिंग है। तो देखिए आप लोग स्त्रीलिंग और पुरलिंग को काफ़ी डिटेल में पढ़ लीजिए कि कौन सा शब्द कहाँ पूछ लिया जाए, और ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ आता ही हो। देखिए पति शब्द का अविविभक्तिक बहुवचन होता है, देखिए पति शब्द का जो है आपका 75 का जो है इसका सी वो है, ऑप्शन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पति शब्द का बहुवचन पति ही होता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए 75 का सी सही है इसमें। और ये क्वेश्चन के आंसर जो बता रहा हूँ मैं आपका ऑफिशियल आंसर किसे बता रहा हूँ, ये मेरे का आंसर नहीं है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक आप समझ सकते हैं, इसके पहले एक क्वेश्चन भी आया था निर्देशक के लिए, उसमें ऐसे आपको बारे में बताया था ऐसे निर्देशक चिन्ह बनता है। सदा एक समान रहने वाले लोकोक्ति के लिए प्रयुक्त जो है एक वर्ण होता है आपका, वो है कि सावन हरे न भादव सूखे, ये आपका सदा एक समान जो व्यक्ति रहता है उसके लिए प्रयुक्त मुहावरा होता है। अब देखिए शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इसमें तत्पुरुष समास कौन से पद में है, ये आपसे पूछा गया है। तो शास्त्र प्रवीण मतलब शास्त्रों में प्रवीण, तत्पुरुष समास इसमें है। एजेंडा इज सेंड हियर विथ, इसको देखिए हिंदी में कन्वर्ट करना है आपको, कार्यसूची साथ में भेजी जा रही है, इसका अर्थ ये होता है। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, अब इसमें देखिए है हिंदी के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज मेंशन्ड देयर इन मतलब कि देयर इन, इसमें हिंदी में आपको जैसा कि आप समझ सकते हैं जैसा कि उल्लेख किया गया, एज मेंशन्ड आपका 80 का ए सही है। तो मैंने ज़्यादातर सभी आंसर आपको आंसर किसे बताएं, अगर आपको डाउट होता किसी भी क्वेश्चन में तो फिर से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने सभी सही बताएं, और डाउट होता तो आप अपने से एक बार मिलाइएगा, और टेलीग्राम चैनल में इसको मैं भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए हम सामान्य जानकारी के ये जो है हमारे क्वेश्चन हैं इनको हल करेंगे और आपको बताएंगे इसमें से क्या क्या आंसर सही है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हिंदी तक हम इसको रखते हैं, सामान्य जानकारी और आगे के जितने भी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं ये हमारा सेट है। यहाँ के बाद आपको देख सकते हैं 80 और 8, 5, 13 लगभग 130 तक आपके क्वेश्चन जो होंगे, तो यहाँ तक आप समझ लीजिए 120 और 130। इसके बाद देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण का है, तो धीरे धीरे आपको सब में सेट हल करा दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिंदी का मैंने अच्छे साल करा दिया है, तो हिंदी मुझको काफ़ी अच्छी लगी, बहुत से क्वेश्चन मुझको नए दिखे क्योंकि काफ़ी हिंदी इतनी डीप मैंने हिंदी कहीं नहीं देखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पूछी गई इसमें हिंदी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कुछ नई नई चीज़ें से मुझे मालूम चली हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको भी नई नई चीज़ें मालूम चली होंगी, और आप लोग अगर तैयारी करें एग्ज़ाम की तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की आपको प्लेलिस्ट बनाकर के वन रक्षक और विधान बहु रक्षक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाकर वहाँ पर डाल दूंगा, तो पेपर का आपको सॉल्विंग मिल जाएगी। अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मिलता है तो तुरंत उसको भी सॉल्व करा दूंगा मैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।